एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल लगातार आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की है मध्य प्रदेश की। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 116 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं 114 पत्रकारों के मुताबिक, जबकि बीजेपी को 97 और अन्य के खाते में 19 सीटें जाती हुई। मध्य प्रदेश में बदलाव सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, यहां पर भी पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। चावल वाले बाबा के रूप में वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव की बयार बह रही है या फिर रमन सिंह एक बार फिर से अपनी सरकार चौथी बार बनाने में कामयाब रहेंगे? चलिए एक एक करके रीजन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं बात। सबसे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ की, जहां पर कुल आते हैं 38 यहां पर 10 जिले हैं। 10 जिलों में एक एक जिले के हिसाब से आपको सीटें बताते जाएं। कोरिया में कुल 3 सीटें, जिसमें से बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। सूरजपुर की बात करें, कुल 2 सीटें आती हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बलरामपुर कुल 3 सीटें हैं, बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है, बलरामपुर में कांग्रेस पार्टी को ये तीनों सीटें जाती हुई। सरगुजा में 3 सीटें, एक बीजेपी दो कांग्रेस। जशपुर में 3 सीटें हैं, एक बीजेपी दो कांग्रेस। बात रायगढ़ की करें, रायगढ़ में 5 सीटें, एक बीजेपी 4 कांग्रेस के पास जाती हुई। कोरबा कुल 4 सीटें, 2 बीजेपी एक कांग्रेस के पास। बिलासपुर में आते हैं कुल 7 सीटें, 2 बीजेपी 3 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में जाती हुई। अगली जिले बात करें मुंगेली की, 2 यहां पर सीटें हैं, एक बीजेपी एक अन्य के खाते में। जबकि जांजगीर चंपा में कुल 6 सीटें हैं, 2 कांग्रेस को और 4 अन्य को मिलती हुई। बीजेपी का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। टोटल सीटें देख लीजिए, कुल 38 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 9 इन 38 में से। और बहुत बड़ी बढ़त, बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिल रही हैं उत्तर छत्तीसगढ़ में। कुल 38 में से सीधे सीधे कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हुई, अन्य को 8 और अन्य से सिर्फ 1 सीट ज्यादा बीजेपी के खाते में जाती हुई। इस बार जो अभी तक का इक्वेशन समझ में आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लाभ में दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले बार से उनकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यदि दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो ये है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही है। यहाँ पर सबसे फायदे में है बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो गठबंधन हुआ है वो यहाँ पर बहुत लाभ में है। उत्तर छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट सौरभ मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? यहां पर तो सीधे सीधे बदलाव दिख रहा है, रमन सिंह के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है वहां के वोटर्स का। देखिए, यहां पर रमन सिंह से नाराजगी कम है, रमन सिंह के मंत्री और विधायकों से नाराजगी ज्यादा है। एक यही फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ ने बहुत सुवर रूप में देखा है, चावल वाले बाबा के रूप में देखा है, उनकी विकास की बात करते हैं। लेकिन मोबाइल वाले बाबा के रूप में भी उन्होंने अपनी जगह। लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी यहां चुनौती आ रही है सरकार के लिए कि वो ये है कि यहां पर बागियों ने बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, तो बागियों के कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी यहां के मूल मुद्दे उठे थे, बेरोजगारी के कारण। और तीसरी मुद्दा जो है वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम, यह बहुत संकट में डाला है। जबकि रमन सिंह सोवर हैं, स्थानीय जितने विधायक थे उन विधायकों के खिलाफ बहुत बड़ी मतलब महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान, बहुत नुकसान दे रहा है। और साथ में जितने बागी लोग गए वह कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े रहे, जबकि बागियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी सीधे सीधे दिख रहा है। लगातार एक बात कह रहा हूँ कि इस बार छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे में बीजेपी बहुत बुरी तरह से विफल रही है। टिकट जिस हिसाब से बटे हैं उस हिसाब से विद्रोह वहां हुआ है। कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप टिकट बांटने में तकलीफ समझ नहीं पाई छत्तीसगढ़ को। दूसरी बार नाम रमन सिंह का और राज अमन सिंह का, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है। इसलिए जो विधायक है, जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के बारे में, विधायक के लोग नाराज है, मंत्रियों से लेकर नाराज है। विधायक करे तो क्या करे, उनका काम ही कुछ नहीं होता, क्योंकि काम होने का जो रास्ता है वो अमन सिंह के दरवाजे से जाता है और वहां बगैर टोल टैक्स दिए कोई काम होता नहीं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बीजेपी का अभी तक फॉर्मूला रहा है कि जिताऊ सीट जिताऊ कैंडिडेट, सर्वे करके कि ये जीत सकता है तो इसको दो, यह रमन सिंह के साथ बीजेपी ने नहीं कर पाया। इसके कारण इस यहां पर सीधे कांग्रेस को बढ़त है और बीजेपी को नुकसान। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, रमन सिंह के नहीं चले, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पे रमन सिंह ने इस तरह से नहीं विरोध कर पाए, उन लोगों को नहीं रोक पाए, जिसके कारण यही समस्या है। टिकट बंटवारे में बीजेपी मार खा गई।
दूसरी बात है वहाँ चली किसकी फिर टिकट बंटवारे में किसकी केंद्र से केंद्र की केंद्र से क्योंकि उनको लगा छत्तीसगढ़ तो रेडीमेड है तो अपने को जीतना ही है। दूसरी बात है चाय से केटली गरम जो कहावत है एक सिंपल हिंदी में वो आपको बराबर यहाँ दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। उत्तर छत्तीसगढ़ की हमने बात की जहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़ाते आगे बढ़ते हुए मध्य छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ जहां पर कुल 40 सीटें हैं 10 जिले यहां पर आते हैं। एक एक जिले के हिसाब से आपको आंकड़े जल्दी से दे देते हैं। महासमुंद देखिए 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी 3 कांग्रेस के पास। बलौदा बाजार कुल 4 सीटें 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के पास। रायपुर की बात करें 7 सीटें 2 बीजेपी 5 यहां पर कांग्रेस के पास जाती हुई रायपुर। अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। गरियाबंद में 2 सीटें हैं, ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई। अगला जिला धमतरी 3 सीटें 1 बीजेपी 2 कांग्रेस। बालोद जिले में 3 सीटें हैं और ये तीनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। अगला जिला दुर्ग जहां की कुल 6 सीटें हैं 2 बीजेपी 4 कांग्रेस के पास जाती हुई। बेमेतरा कुल 3 सीटें 1 बीजेपी 2 कांग्रेस के पास जाती हुई। कबीरधाम कुल 2 सीटें हैं 1 बीजेपी 1 कांग्रेस, यहां पर बराबरी की टक्कर। राजनांदगांव 6 सीटें हैं और यहां पर राजनांदगांव मुख्यमंत्री जहां से खुद से आते हैं रमन सिंह, यहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान 1 बीजेपी और 5 कांग्रेस पार्टी को जाती हुई। और अब कुल सीटों का आंकड़ा देख लेते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ की कुल 40 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 11 मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को छप्पर फाड़ के यहां की जनता वोट कर रही है। 29 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को सिर्फ 11, कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें। और ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ज्यादा बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट दिया है। किसानों का जो मुद्दा वो हावी रहा है, धान का बोनस जो मसला है वो हावी रहा है, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हावी रहा है, बिजली का मुद्दा हावी रहा है। और कांग्रेस इन मसलों को, अपने घोषणा पत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने में सफल भी रही है। इसलिए लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो यहां से सरकार है वो जनता के द्वारा खारिज कर दी जाने वाली। और छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट अजय भांजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मध्य छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? बदलाव साफ तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। देखिए 15 साल बीजेपी के रिजीम को हो गए हैं तो एक स्वाभाविक बदलाव की चाहत है, लेकिन बदलाव की चाहत ऐसी नहीं है जैसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में सुनामी या वेव के रूप में दिख रही है। छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो संवेदनशील बहुत हैं लेकिन मुखर नहीं है। तो उन्होंने कायदे से किसको वोट किया है, किस धारा में गए हैं? जो पत्रकारों ने अपना एग्जिट पोल दिया है इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये तो सुनामी वाली स्थिति, अगर बीजेपी 11 पर सिमट जाती है, कांग्रेस 29 पर, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है वहाँ के लिए। पत्रकारों के बारे में मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के बीच में एक तरह से ये एक बहुमत की राय बन गई है कि भाजपा सरकार संभवतः नहीं आ रही है, लेकिन जमीनी परिस्थितियां जो हैं और जोगी का डेंट जो है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो शेयर है उसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ पत्रकारों की अपनी चॉइस भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये आंकड़े उल्टे हो सकते हैं। उल्टे नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उल्टे हो सकते हैं, पर ये इतने अतिरंजित, इनको मैं अतिरंजित आंकड़ा मानता हूं। करप्शन जैसे बैलेंस थोड़ा सा बैलेंस देख रहे हैं अशोक जी, नहीं करप्शन जैसे मुद्दे गौण हो जाएंगे। जिसको हम अजीत जोगी फैक्टर कहते हैं, उस अजीत जोगी फैक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा। अजीत जोगी का जो टेन्योर था वो सबसे बड़ा कुशासन माना जाता है छत्तीसगढ़ में। शहरी विभाग जहां शहर, लेकिन उनका वोट बैंक तो है ही, जो वोट बैंक उनका है उस वोट बैंक में भी अब सेंध लग चुकी है। और फिर बीएसपी उनके साथ आ गई है। बीएसपी के साथ जो आए वो बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उनके पास, क्योंकि बीएसपी में इस गठबंधन को लेके बहुत बड़ा विद्रोह है। एक सीट थी बीएसपी की वहां पे, उस सीट पे भी उन्होंने अपने बहू को जब खड़ा करवाया बीएसपी के सीट पे, तो बीएसपी के कार्यकर्ता जो पिछले 10-15 साल से वहां काम कर रहे हैं वो वहां से वंचित रह गए। ठीक है, और उसके आप अजीत जोगी का फैक्टर देखिए, अजीत जोगी व्हील चेयर पे है लेकिन सारा काम संभालती कमान पूरी चुनाव की थी उनके बेटे के साथ थी, और बेटे के वजह से वो सबसे ज्यादा बदनाम थे। ठीक है, ऐसे में अजीत जोगी का फैक्टर, अजीत जोगी की खुद की सीट निकलना मुश्किल है। चलिए, आपको लग रहा है कि अजीत जोगी बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं पहुंचा रहे हैं और आप ऐसे ही होंगे, ये आपका मानना है? अजीत जोगी कांग्रेस में थे तो लोग कांग्रेस से डरते थे। चलिए, मध्य छत्तीसगढ़ की हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हुए देखिए आप दक्षिण छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि सरकार वहां पर किसकी बन रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुल 12 सीटें आती हैं और यहां पर एक एक जिले के हिसाब से देखिए, कांकेर में कुल 3 सीटें 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। कोंडागांव
गढ़गांव में दो सीटें और ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई, नारायणपुर में एक सीट है, एक सीट बीजेपी को मिलती हुई, जगदलपुर में तीन सीटें हैं और जगदलपुर के तीन में से एक सीट बीजेपी, दो कांग्रेस, दंतेवाड़ा की एक सीट एक कांग्रेस के पास जा रही है, बीजापुर की एक सीट एक बीजेपी के पास जा रही है, सुकमा की एक सीट जो एक कांग्रेस के पास जा रही है और इस तरह से कुल 12 दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीटों में से 5 बीजेपी और 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई और अन्य के पास कोई भी सीट नहीं जा रही है। कुल मिलाकर दक्षिण छत्तीसगढ़ आपको बता दें कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है, बीजेपी के ऊपर कांग्रेस 7 और बीजेपी 5 सीटें। इस बार एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है और पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कांग्रेस का प्रबंधन कमोबेश बेहतर रहा है और सरकार विरोधी एक जो माहौल था उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण दिखाई दिया है। और इस पर मैं जल्दी से एक कमेंट ले लेना चाहूंगी अपने खास मेहमान अजय भांजी जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के भी एक्सपर्ट हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे आप? मतलब ये गढ़ हुआ करता था लेकिन उतनी बड़ी बढ़त मुझे दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस की यहाँ पर। ये गढ़ हुआ करता था लेकिन बीजेपी ने संघ परिवार के मार्फत 2003 के बाद इसमें जिस तरह का इनरोड बनाया था वो अभी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में उसमें काफी हद तक डेंट किया, लेकिन अभी जो ये जो तस्वीर आ रही है नतीजों की तो ये कमोबेश पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप है और जैसा वहाँ जनरल टेंडेंसी है जो हम लोगों की भी मान्यता यही है कि भाजपा हद से हद 5-6 सीटें वहाँ जीत पाएगी, लेकिन ये एक प्लस है। ठीक है, एक प्लस है और उनकी उम्मीदों के मुताबिक है, मतलब दोनों ही पार्टियों की उम्मीदों के मुताबिक ही वहां पर सीटें मिल रही हैं। वैसे मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बिल्कुल सही आंकड़ा आपके लिहाज से भी दिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है, एक आध सीट इधर उधर छोड़ दिया जाए तो ये ठीक लगता है। तो चलिए दक्षिण छत्तीसगढ़ की हमने बात की और अब फाइनल आंकड़ा, फाइनल फिगर छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहता है उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 90 सीटों में से बीजेपी को यहां पर मिल रही है 25 सीटें और कांग्रेस पार्टी को मिल रही है 57 सीटें। बीजेपी की बुरी तरह से हार, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई छत्तीसगढ़ में, पत्रकारों का यह एग्जिट पोल है। अगर बात 2013 की हम करें, बीजेपी को 49 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। बात अगर रैली की करें, मोदी जी ने 5 रैलियां की, राहुल गांधी ने 19, अमित शाह ने 12, योगी आदित्यनाथ ने 22 रैली की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां भी यहां पर काम नहीं आई और कांग्रेस पार्टी बहुत आराम से बहुत बड़े आंकड़े के साथ अपनी सरकार बना रही है। और इस पर छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट अजय भांजी आपका मैं कमेंट चाहूंगी, यहां पर तो शानदार प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए सरकार के खिलाफ मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक हल्की सी नाराजी है और हल्की सी नाराजगी 57 एक हल्की सी नाराजी है और भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है, कार्यकर्ताओं में जो है वो कार्यकर्ता जो है वो बेरुखा है, उसने काम नहीं किया है, संगठन के स्तर पर भी वैसी चुस्ती नहीं देखी गई है चुनाव में, सारा चुनाव उम्मीदवारों ने स्वयं लड़ा मोटे तौर पर, लेकिन ये व्याख्या जो है अतिरंजित व्याख्या है, बाकी सारे फैक्टर्स को नजरअंदाज मतलब कर लग रहे हैं कि जिले के हिसाब से उस जिले के पत्रकारों की ओर से जो आंकड़ा हमने मंगाया है आपको लग रहा है तस्वीर ऐसी नहीं होगी, बीजेपी वहां पर फाइट में होगी, फाइट में है, जैसे आपने बस्तर का ये दिया साउथ का, लेकिन यहां पर लगभग ठीक ठाक है। अशोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक चीज मैं जल्दी से एक चीज मैं बता दूं, जब भी हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का इंटरव्यू चाहे एबीपी न्यूज पर देखा हो या फिर कहीं और, हमेशा जब उनसे सवाल पूछा जाता था तो मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर वो आंकड़े नहीं देते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी ओर से 55 का आंकड़ा लगातार रखा गया, लेकिन ये तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। गुजरात के टाइम पे भी 150 का आंकड़ा वो लगातार दे रहे थे, आंकड़े देना ये नेताओं का, क्योंकि उसी लेकिन से एक एमपी और राजस्थान को लेकर नहीं, 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 नहीं देता है। क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट पे आप खेल सकते हो। रही बात एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे है, एंटायर ब्यूरोक्रेसी जो पूर्ण ब्यूरोक्रेसी है नौकरशाही वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, वो इसलिए खिलाफ है कि एक नॉन आईएएस नॉन आईपीएस आदमी यदि उनके ऊपर कार्यराज करता है और सारी फाइलें उसके थ्रू मिलती मुंह करती है तो कहीं ना कहीं उनके दिल पे ठोस पहुंचती है। 6-6 साल तक आईजी और एसपी एक जगह पे बैठे हैं, इसके कोई मायने है? हर चीज के लिए पैसा देना चाहता है। आज कार्यकर्ता जैसा सर ने कहा, कार्यकर्ता नाराज है, नाराज क्यों है? क्योंकि मेरा सरकार है, मेरी पार्टी है, फिर भी मुझे पैसे देके काम करना पड़ता है। भ्रष्टाचार जो नए रायपुर बनाने में भ्रष्टाचार हो गया, उस भ्रष्टाचार की जिस दिन बाहर चीजें आएगी उस दिन आपका होश
खोपते हो जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार। लेकिन मैंने भी वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। एक बात जो नए वोटर्स को लेकर समझ में आई, वो रमन सिंह को लेकर अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है वहां पर। इवन बहुत सारे स्कूल में गई, कॉलेज में गई, जो पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं, वहां के वोटर तो कांग्रेस के किसी प्रादेशिक नेता का नाम बता पाने की तक की स्थिति में नहीं है। पूरी एक फौज, पूरी टीम, ए टीम कांग्रेस की नक्सलियों ने उड़ा दी, इसलिए वहां पे नाम हो सकता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि रमन सिंह जी को बहुत सोबर नेता के रूप में साथ दिया और उनको लेकर उस तरह की हेट वाली स्थिति नहीं है। लेकिन वहां जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वहां का डीजीपी अगर 6 साल से है और छोटे छोटे उनके रिश्तेदार दुकान खोल के बैठे हुए, तो वो तो गुस्सा जाएगा। इसको लेकर जनता के अंदर गुस्सा देखने को मिला है। पैसा खाने के तरीके देखिए, एक हॉस्पिटल खोल के चैरिटेबल, आपको सारी रिश्वत उस हॉस्पिटल में देनी पड़ती है। ठीक है, जरा मैं अजय भांजी, आप छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे तस्वीर नहीं होगी, तो आप अपना ही आंकड़ा दीजिए, 90 में से कितनी बीजेपी कितनी कांग्रेस। अगर मेरा माने और जोगी फैक्टर ने अगर काम किया है तो बीजेपी में जो मैजिक फिगर है उसके आसपास तक पहुंच रही है। मतलब नंबर वन पार्टी बीजेपी, नंबर वन पार्टी रह सकती है बीजेपी। लेकिन जो पिछले जो कल के आपके इसमें आया था एग्जिट पोल में, मैं उससे भी सहमत नहीं था। इतना अच्छा प्रदर्शन भाजपा का नहीं है, भाजपा का अपना कोई चमत्कार नहीं है, केवल जोगी के चमत्कार पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। अजीत जोगी ने फायदा भी अशोक जी ऐसा लग रहा है बीजेपी को पहुंचाया है, जिसको लेकर वो बड़ी बार-बार कह रहा हूँ, बीजेपी अजीत जोगी का डर दिखा दिखा के चुनाव जीतते आ रही है। ये लोकल लोगों को पता है, इस बार उनको पहली बार पता है कि कांग्रेस जीत गई तो अजीत जोगी नाम का जो भूत है वो उनके सामने नहीं आएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है उनको, क्योंकि जिस दिन अजीत जोगी सत्ता में आएंगे उस दिन उनके लड़के राज करेंगे और उनके लड़के का राज लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो रातों रात होटल खाले होते थे और रातों रात होटल की रजिस्ट्री करवाई जाती थी दूसरे के नाम पे। ये हुआ है छत्तीसगढ़। चले, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों को, यहाँ पर एक तरह से पत्रकारों के एग्जिट पोल में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि मध्य प्रदेश में 114 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बढ़त, हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए, लेकिन अगर नंबर वन पार्टी बनती है तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने की आराम से स्थिति उसकी रहेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, यहां पर तो छप्पर फाड़ कर पत्रकारों ने एग्जिट पोल अपना दिया है, सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में। कुल 90 सीटें हैं, 39 सीटें 2013 में मिली थी, लेकिन इस बार 57 सीटें पत्रकारों के एग्जिट पोल में देखने को मिल रही हैं। आपको यह भी बताते चले कि 11 तारीख को जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे उनका सीधा असर 2019 के आम चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में छप्पर फाड़कर बीजेपी को 2014 में वोट दिया था। छत्तीसगढ़ के कुल 11 में से 10 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में, जबकि मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी को बंपर जीत मिली थी। आगे क्या होगा इसके लिए 11 तारीख का हमें करना होगा इंतजार, जिसके सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।